आपने देश विदेश में बने बहुत से निर्माण कार्य, कलाकृति, भवन एवं गगनचुंबी इमारतें देखी होंगी, परंतु हम हमेशा से अपने भारतीय कला को विश्व कला से तुलना में कम महत्व देते हैं। लेकिन आज मैं मन में बसी एक जिज्ञासा के साथ भारत के पश्चिमी और मध्य में बसे दक्खन के पठार के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की ओर निकल पड़ा। मैं जानना चाहता था कि क्या सच में भारत में विश्व के बाकी देशों की तुलना में केवल ताजमहल जैसी कुछ चुनिंदा ही वास्तुकला है। मेरी इसी खोज में मैं आज महाराष्ट्र के वेरूल शहर में स्थित एलोरा की गुफाओं में आ गया हूँ। यह बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं। क्या आप जानते हैं कि सामने दिख रहा यह कैलाश मंदिर है और यह एक ही चट्टान यानी पत्थर से बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन मंदिर है। लेकिन यह तथ्य सभी भारतीयों को शायद ही पता हो। यहाँ से औरंगाबाद से बस आती है और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहीं पे ऑटो ऑटो मिलेंगे वापसी में जाने के लिए और यहीं से एंट्री करेंगे हम। और ये एलोरा पे आके हमने यहाँ पे नाश्ता लिया है और पाव भाजी का, ये एलोरा रेस्टोरेंट के नाम से। अभी हम ब्रेकफास्ट करके फिर अंदर जाएंगे। टिकट काउंटर है तो यहाँ से टिकट मिलता है चल। और अगर आपको वीडियो वगैरह बनाना है कैमरे से तो उसके अलग टिकट कटता है 25 रुपये का। हमें इधर से 40 रुपये का टिकट मिल जाएगा। कोई भी सभ्यता बिना अपने धर्म और इतिहास के अधूरी है। यह हिंदू धर्म की माता लक्ष्मी हैं, जिन्हें ऐश्वर्य सुख समृद्धि की देवी कहा जाता है। एलोरा में कुल मिलाकर 32 गुफाएं हैं, जिनमें से कैलाश मंदिर सबसे मुख्य और सबसे प्राचीन मंदिर है और ये 16वीं गुफा है। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटा साम्राज्य द्वारा भगवान शिव के लिए बनवाया गया था। मंदिर को पहाड़ के 50 मीटर अंदर तक 2,00,000 टन पत्थर को तोड़ के बनाया गया। इसे बनने में केवल 18 वर्ष का समय लगा, जो अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली बात है ना? परंतु इस मंदिर से जुड़ा एक और सत्य है, जिसे हमें इतिहास में शायद ही पढ़ाया गया हो। एक ऐसी घटना जो सिर्फ इस महान वास्तुकला के साथ ही नहीं हुई, बल्कि अनेकों भारतीय मंदिरों के साथ हुई। करीब 16वीं शताब्दी में भारत का आखिरी मुगल बादशाह आया, जिसने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए भारत के सभी मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया और उसने उसी घटना चक्र में कैलाश मंदिर को भी तोड़ने का आदेश दिया। आप सब जान रहे होंगे यह मुगल बादशाह औरंगजेब था। उसने वहां करीब 1,000 कारीगर अलग से भेजे ताकि कैलाश मंदिर को तोड़ा जा सके। कारीगरों ने 3 साल तक लगातार काम किया, परंतु वह इस भव्य और विशाल मंदिर को कोई खास नुकसान ना पहुंचा सके। कहा जाता है कि उन कारीगरों ने वहां रहस्यमय शक्ति का होने का वर्णन किया था और उनमें से कई काम छोड़कर भाग गए। शिव से ही, शिव का ही, शिव में ही, ऐसी है शिव की ताकत।
बचे हुए कारीगर गुप्त तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो गए। कोई नहीं जानता उन्हें क्या हुआ। आखिर में औरंगजेब ने यह मानते हुए कि मंदिर में कोई अलौकिक शक्ति का वास है, इस कार्य को रुकवा ही दिया। इसे कहते हैं शिव की शक्ति। इस मंदिर की एक एक स्तंभ की कारीगरी हमारे पूर्वजों के कौशल को दर्शाता है, उनकी महानता को दर्शाता है। लेकिन उनकी यही प्रख्यात कला उनके लिए एक दुर्भाग्य भी साबित हुई। भारत की महान संस्कृति और अतुल्य कला पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध थी, और इसी कारण भारत में मुगलों व अंग्रेजों ने आक्रमण किए। परंतु हमारे मंदिरों के लिए सबसे भयावह काल मुगलों का साबित हुआ, जहां 60,000 से भी ज़्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया। लेकिन एलोरा के इस कैलाश मंदिर की एक एक दीवार, आकृतियां एवं स्तंभ हम भारतीयों की अखंड आस्था और विश्वास की तरह अटल खड़े रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी कला, इतिहास और संस्कृति के अनगिनत रहस्यों को संजोए अतुल्य भारत की सरजमीन पर अपना वर्चस्व और अस्तित्व आज भी कायम कर ये मंदिर खड़ा है।